हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद है सब खैरियत से और ठीक होंगे। मैं इस वक्त ज़रा काम से अपनी खाला घर जा रहा हूँ, मतलब उनको टेस्टी देने जा रहा हूँ। तो मैं खाला गाँव के रास्ते में हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखें यार, मैं अकेला ही हूँ तो इसलिए अकेले में बाहर भागना बहुत मुश्किल होती है। तो वैसे आपने देखा पहले भी है, वैसे अपनी खाला घर में जा रहा हूँ। धूप भी सही तेज़ निकल रही है, फुल तेज़ से निकल ही जा रहा है यार। तो मैं जब जाता हूँ लड़का होता है, तो उम्मीद है सबको मेरी वीडियो वगैरह सारी पसंद आ रही होगी। बहुत से लोग लाइक कर रहे हैं, उन लोगों को सब्सक्राइब भी किया। जितना तो सब्सक्राइब नहीं किया मेरे को टिकटॉक पर, सही आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मेरे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, देर वो मिलेंगे। वो देखे सामने टूर चल रही है, तलाह बैठा हुआ। ठीक है, पूछो। इस तरह मैंने आपको बताया मेरे कजन का मतलब प्लाट बन रहा है, तो वही दिखाने आया था आप लोगों को। ये बैठ से देख लें, काम अभी कर रहे हैं। सर सर अंदर सामने दो कमरे बन रहे हैं, बरांडा बन रहा है। तो अंदर में आकर चेक कर आया रू मैंने आपको बाद में। साथ छोटी गली जा रही है और ये बिल्कुल साथ ही नया रहा इस साइड से। मैं आके दिखाता हूँ आपको मोटरसाइकिल पार्क। मेरे कजन का भाई लोग रिसीव करे, माशाल्लाह प्यारा प्लाट अच्छा है। तो यहाँ से मेरी खाला का घर आ साथ है इस साइड से, और यहाँ से मैंने वापस जाना है अपने घर जान। और ये है मेरे, ये हमारे बोर्ड की झील है, ये गांव की झील है, ये ना झील इसे कहते हैं। ये तो मुताब में कैंटी जी ना, ये यहाँ की झील है। हमारे दिखाता हूँ बस, यहाँ से मुन्ना लेफ्ट पे घर। ओके, फिर मिलते बाद में आपको। इससे मैं बिल्कुल पास ही खड़ा हूँ, लेकिन ये जगह बहुत अच्छी है, प्यारी है। तो इसको ना ऐड वगैरह कहते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये नहर है और बिल्कुल इससे दूसरे प्रेशर बहुत ही रहता है। तो ये भी रास्ता बिल्कुल जाए ना बाई रोड भी काले तो रहते हैं, लेकिन हम मंदिर वगैरह जाते हैं। ये सारे इधर आम के बाग भी हैं, तो पौधे वगैरह लगे हैं, ग्रेप फ्रूट माल्ट वगैरह सब के लगे हुए हैं। और यहाँ ये फाल भी गई है, छोटी नहर जाती है यहाँ से। मैं भी दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल यहाँ से जाता प्रेशर इस साइड से बिल्कुल तेज। ये सारे डाव लगे ना यहाँ, जब डाव खत्म होंगे ना यहाँ स्कूल से प्रेशर आता है। तो यहाँ से और ये टूर है मेरे मामू जी का, जो मतलब उन्होंने बंद कर दिया, वो अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं। ये टूर से पहले मेरे मामू जी का, मतलब पहले हम बहुत आते रहे, तो अब इस टाइम बंद पड़ा हुआ है। ये ठेके ठुके देते हैं, उसके बाद हाथों ठेके पे देते हैं, ठेके पे दिया हुआ टूल उन्होंने। तो उसका हाल तो कोई नहीं था, मतलब ख़त्म हो गया, लेकिन वैसे बहुत बुरा टूल था। कभी कभी चलाते हैं, मतलब किसी ने आना फैमिली वगैरह ने तो क्या क्या चलाते हैं, वरना कोई मुश्किल चलाते हैं। तो इस साइड पे भी मतलब सारे आगे, मतलब बाग ही हैं, ये आमों ये माल्टों के पौधे वगैरह लगे हैं, आमों के हैं, आगे भी आमों के हैं। किसी ने करना घास वगैरह बीजा हुआ है, और आगे साथ ही कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान हमारा मतलब हमारा थानों का, जहाँ सारे बुजुर्ग वगैरह किया उन्होंने, तो सारा यही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे से भी आए। ये देखिए नहर, मतलब परसों नहर चली है, वहाँ से देखें डाब लगी हुई पीछे को देखिए उस साइड। तो ये जा रहे हैं हम अपने घर, तो आपको मैं दिखाता हूँ। मतलब ये रोड सही है, पहले बहुत रोड होता ना, मतलब उसमें बहुत ख़राब होता रोड, जो होता ना गाँव का रोड होता पहले बहुत ही ख़राब होता था आता। तो अब अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर है रोड ये ना, तो इसलिए अब मैं घर जा रहा हूँ। साथ साथ दिखाता हूँ, ये देखें जमीन में जहाँ मिट्टी वगैरह निकालते हैं, ये भी मतलब काम के बाद ट्रैक्टर के बाद ट्रैक्टर ले गए, ये यहाँ से निकालते हैं। तो इस जगह मतलब मेरे मामू
हाल है, मतलब बहुत महंगाई की हुई है, इंसान बहुत महंगाई करेंगे। देखिए अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह खाना आ रहा है, खैर करेगा, आपको आप दिखाता हूँ। मैं ये सारी नहर है करती मेरे घर की तरफ, ये देखिए ये दुनिया, ये मेरे दोस्त की ज़मीन है, जिंदगी मेरे दोस्त की है, ये सारी खास सारी गाइस क्या ठीक है, मेरे खैर से तो ठीक होंगे। मैं ये सब घर का सामान लेने जा रहा हूँ, मतलब राशन वगैरह लेने जा रहा हूँ, राशन लेने तो सब्जी भी गए तो लसन लेने जा रहा हूँ। इसलिए तो यार कब भाई आ रहा है, क्या लाका भाई ठीक हो? ठीक हो तो आपका भाई ठीक है हमारे, तो बस गाँव भी आता हूँ, आता हूँ बस। ये हमारे गाँव में छोटी सी गली है, मुझे वीडियो ऐसी बंद करनी पड़ी, मैं तो मेरे खान से आ रही थोड़ा सा गला खराब है, वो बेचारा ठीक हो जाएगा, दवाई वगैरह मिलना। अगर आप लोग मैं आपको खैर से ठीक है, अगर यार मतलब मेरी कोई गलती वगैरह नहीं करी है वीडियो ब्लॉग में, मुझे आप बताएँ प्लीज़ यार, कमेंट में बताएँ, मतलब भैया ना करो और कोई चीज़ होल दिखाऊँ मैं ब्लॉग वगैरह में, तो आपको मुझे ये दिखाएँ तो हल्का जब मतलब अभी तो मतलब काम कम बनने शुरू होगा सोना लगा, जब अगर जब सर्दी आएगी ना तो इंशाल्लाह दिखाऊँ मतलब सोना बता रहा देसी सोना लगा कैसे बनता हमारे गाँव में, और दिखाऊँ मैं दुकान के पास पहुँची हूँ, बस दुकान वो नुक्कड़ पर दुकान खड़ी सामने, तो बस मैं आपको दिखाता हूँ। अंकल जी लहसुन है किससे पाई है? 120 रुपये, 100 रुपये का लहसुन दे रहे सुजानपुर से। सब मैंने लहसुन ले लिया है, अब घर जा रहा हूँ, उसके बाद डाइट हूँ मैं थोड़ा सा, आराम करूँगा फिर उसके बाद इंशाल्लाह नमाज करें, नमाज पढ़ के फिर आपको मिलेंगे, मतलब अगले वो मिलेंगे, और इंशाल्लाह हाथ अपना ख्याल रखें ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़रा, तो लाइक करें, कमेंट करें, ओके।